हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा छः के गणित का पहला अभ्यास, अपनी संख्याओं की जानकारी का अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरिए, जिसमें एक साइड आपको 1 लाख दिख रहा है और दूसरे साइड 10,000 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको 1 लाख इस साइड लिख लीजिएगा नंबर में, ठीक है, और इस साइड में आप 10,000 लिख लीजिएगा और इसके बाद जीरो को काट दीजिएगा, तो जितना बचेगा उतना ही आंसर हो जाएगा, राइट। तो अभी हम कर रहे हैं, आप देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, बाकी सारा क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। तो यहाँ पे हम 10,000 बना लेते हैं, माउस से बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 जीरो है, इसमें 5 जीरो है, तो इस ये 4 जीरो से इस 4 जीरो को काट दिएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, केवल 10 बच रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप इस सेकेंड वाले में इधर 1 मिलियन लिख लीजिएगा, इधर 100,000 लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद काटिएगा, जितना बचेगा उसको यहाँ पे भर लीजिएगा। इसी तरह सारा करना है आपको, ठीक है। तो आप जब इसे सारा करेंगे तो सबका आंसर 10 ही आएगा, इसका भी आंसर 10 आएगा, नीचे वाले का भी आंसर 10 आएगा, तो इसे सारा करने पे सबका आंसर 10 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो इसे संख्याओं को नंबर में लिखना है, तो ठीक है, आप लिख लोगे 73,75,307, तो इसे नंबर में आप इस तरह लिख लेना, तो यहाँ पे सारा आपको नंबर में लिखना है, ठीक है, तो इसे आप नंबर में इसे देखकर राइट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त स्थानों पर विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। तो भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है कि शुरू में 3 पे कॉमा होता है और बाद में 2-2 पे कॉमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा विराम लगाना, तो आपको हम बता देंगे विराम कैसे लगता है। अब इससे क्या करना है, लिखना है शब्दों में, तो शब्दों में लिख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा कॉमा, इस तरह आपने लगा लिया, तो ये देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये आ रहा 8,75,95,762, ठीक है। इसी तरह आप आगे के भी क्वेश्चन को शब्दों में राइट कर लीजिएगा। कॉमा लगाते समय कैसे लगता है वो आपको बताया, शुरू में 3 पे कॉमा लगता है, बाद में 2-2 पे कॉमा लगता जाता है दोस्त, तो इसी तरह आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए, ठीक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से विराम लगाना है, तो इसमें याद रखना दोस्त कि 3-3 पे कॉमा लगाना है, कितने पे कॉमा लगाना है, 3-3 पे कॉमा लगाना है, ठीक है। और ये तो 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000s, फिर इसके बाद मिलियन आता है, इसमें क्या आता है, मिलियन, मिलियन इस तरह आता है, ठीक है। यहाँ तक तो वही है, देखो 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000s, फिर इसके बाद मिलियन आएगा, ठीक है। इसे आप यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे ये 78 जो है मिलियन हो गया, क्या हो गया, 78 मिलियन, और ये 921,000 हो गया, 921,000 हो गया, फिर ये 92 है, ठीक है, इसे इस तरह राइट करेंगे। इसी तरह आगे के भी आप राइट करेंगे, यहाँ पे 7 मिलियन हो गया, 452,000 हो गया, 283, ठीक है। इसी तरह ये 99 मिलियन हो गया, 995,000 हो गया, 102, ठीक है, इस तरह आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिए। इसके आगे के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।